guys, subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. Number one trending song, Leja. जैसे मेरी मैनेजर कह रही थी, तो वाकई में जन्नत जैसी दिखती है. And Faizu, जो 12 मिनट में तैयार होके इस इंटरव्यू में आए हैं. Love you, brother. इसी के लिए ताली बजाया जाए. 12 मिनट में तैयार होना बड़ी बात होती है. तो Faizu जी बताइए, 12 मिनट में आदमी कैसे तैयार होता है? अरे मैंने बहुत सारी चीजें किया. पहले उठा, मैंने देखा कि मुझे कॉल आया और मुझे याद आया कि मेरी जूम मीटिंग है और मेरे पास टाइम एकदम नहीं है. मैं डायरेक्ट नहाने गया, नहा के निकला हूँ, ड्रायर लिया हूँ, एक हाथ से ड्रायर वो कर रहा हूँ और एक हाथ से टी शर्ट पहन रहा था. फिर फटाफट शूज वूज पहना और फिर जाते जाते मेरे डैडी ने आज कुछ बनाए थे, मतलब खाने के लिए आज वो बना रहे थे, तो ऐसी 2-3 चम्मच में शूज और बना रहे थे मुझे. फिर फटाफट फटाफट जल्दी से नीचे पहुंचा, गाड़ी लिया, बाइक तो ऑफिस पहुंचा. तो दोस्तों आज आपको पता चल गया कि 12 मिनट में कैसे तैयार होते हैं. वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया. जन्नत जी आपको कितना टाइम लगता है तैयार होने में? कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाती हूँ. बट आज मैं भी सो रही थी और मैं भी 11:30 बजे उठी हूँ और मम्मा ने मुझे बुला रही, तुमको इंटरव्यू है, जाओ जल्दी जाओ. तो मैं 5-6 मिनट में तैयार हो गई, मुझे कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ा. ये तो कहीं गया है ना, इसने बोला तो उसके दिन इसको ज्यादा टाइम लगा. और वैसे भी इसको ज्यादा टाइम लगता है, इसको शूट में भी मेरे से ज्यादा टाइम लगता है रेडी होने में. Faizu क्या ये सच बात है कि? हाँ हाँ सच में सच में सच में. Faizu I can't believe this, तुम ज्यादा टाइम लेते हो जन्नत के साथ रेडी होने में, या माने जब वो शूट पे जाती है तो तुम लेट हो जाते हो? कभी कभी हो जाता है ऐसा, मगर हमेशा नहीं होता है. अभी जब ये गाना बन रहा था, जब तुम स्टूडियो में थे, तुम्हारे दिमाग में Faizu और जन्नत थी या कोई और था या सिद्धार्थ कनन था, क्या सीन था? सिद्धार्थ सर थे जब ये गाना बन रहा था. डेट नहीं मिली सर आपकी. चल झूठे जब बताया गया था कि इस गाने में जन्नत और Faizu भाई है तो वही थे एक्चुअली. उनको सोच के मैंने उस टाइप से उसका डिलीवर किया उस सॉन्ग को. वो इतना प्यारा सॉन्ग है, विक्रम सर, विक्रम मोंट्रोस जिन्होंने इसको कंपोज किया है, प्रोड्यूस किया है, तो बहुत ही बढ़िया इंसान है. उन्होंने मुझसे इतना अच्छा गवाया है ये गाना और क्या कॉम्पोजिशन है. और वो ये सब सोच के कि इस तरीके से शूट होगा, इसमें जन्नत और Faizu है, तो फिर वो अच्छा निकल नहीं था. क्या बात है, मेरे भाई और मेरी बहन दोनों थे इसमें, इसलिए अंगार लगा. Faizu तुम लोग ने इतना काम किया है साथ में, जन्नत और तुमने, क्या अभी ऐसा मुकाम पे तुम दोनों पहुंची हो कि तुम्हें लगता है कि यार जन्नत क्या अभी बोलने वाली है, जन्नत क्या सोचने वाली है, जन्नत क्या चीखने वाली है, ये तुमको पहले ही समझ आ रहा था कि नहीं? अनप्रेडिक्टेबल ऐसे कैसे समझ में आएगा मुझे. नहीं, कभी कभार दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि लोगों की ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि सब पहले ही समझ आता है. हाँ, वो सारी चीजें तो है, जैसे शूट पे शूट करते करते मतलब बहुत सारी चीजें जो ऊपर नीचे हो जाती है, तो समझ में आता है कि अभी किसका मूड कैसा है और किसका मूड कैसा स्विंग हो रहा है शूट के दौरान, तो वो सारी चीजें समझ में आती है. और खाने में अगर उसको, जैसे हम लोग मतलब बहुत टाइम शूट पे थे और अगर जैसे मैंने देखा, अगर खाने के मामले में उसको अगर जो उसको कुछ चाहिए अगर वो उसको बराबर नहीं मिलता तो वो मतलब थोड़ी चिढ़ती है. तो वो सारी चीजें हैं जो मुझे मतलब थोड़ी बहुत है जो मैंने देखा और समझा. जन्नत ये तुमको क्या बना रहा है भाई, ये तुमको माने चिड़चिड़ी लड़की, हाँ, जिसका मूड स्विंग होता है, माने ये जन्नत का क्या रूप में देख रहा हूँ, ये सच है कि नहीं जन्नत? नहीं नहीं ये सच है. मुझे जब भूख लगती है, जैसे कि ये टाइम जब हम परसों ही ट्रैवल करके आए, हम बाहर शूट कर रहे थे और वहाँ पे हमें गांव में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे ना खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, टाइम पे नहीं मिल रहा था, ब्रेक बहुत लेट हुआ, लंच ब्रेक. तो जब खाने का थोड़ा, जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं बहुत ग्रंपी हो जाती हूँ. बट ये बताओ जन्नत, जब तुम चिड़चिड़ी हो जाती हो तो तुम क्या बॉटल फेंकती हो, चिल्लाती हो, क्या होता है? नहीं नहीं मैं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं बस चुप हो जाती हूँ. अच्छा सुनो, ये बताओ Faizu, तुम इस वीडियो में जन्नत के पीठ पर अपना नंबर लिख रहे हो, ठीक है? सच्चे दिल में तेरे मेरे बीच में कितनों को अपना नंबर ऐसे तुमने दिया हुआ है या लिया हुआ है? ये जब शूट कर रहा था तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है. बाद में जब मेरे को अच्छी से ब्रीफिंग मिली तो समझ में आया कि ऐसा भी कुछ है. तो मेरा तो समझ ही नहीं होता है कि मैं किसी को ऐसा नंबर दूं.
नहीं कभी कभी पर्चे वर्चे में नंबर दिया है कोई क्यूट सी लड़की को? कभी लाइफ में भी नहीं दिया हो मैंने किसी को ऐसा नंबर, सपने में भी नहीं दिया हो। और किसी लड़की ने तुमसे ऐसे नंबर लिया है कि आप पर्ची भेज के कि मुझे फोन करो? अरे तो मैं थोड़ी ना ऐसा टॉप पहन के घूम रहा हूँ जो मेरे पीछे नंबर रख के रही। नहीं नहीं वो बोल रहे पर्ची में लिख के दिया है क्या? पर्ची में रख लिख के तब भी नहीं। अरे यार, अरे मेरे फैजू, मैं तू टेंशन मत ले भाई, नेक्स्ट टाइम नाइट क्लब में जब भी हम खुलेगा मैं तेरे को पर्ची में अपना नंबर भेजूंगा। अभी सिंह मैं ले लूंगा। अरे बाबा मेरी जान, सारी लड़कियां तो पागल हो जाएंगी कि सिद्धार्थ का नंबर ले रहा है। जानते हो लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लोग इतने अच्छे दिखते हैं, सबकी दुआएं आपके साथ है, यू मस्ट रिमेम्बर दैट। सबकी नियत, जब दो लोग अच्छे दिखते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, तो सब चाहते हैं कि वाह यार शायद दोस्ती से ज्यादा हो जाए, दुआएं होती है ना, राइट? नहीं, हम लोग की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लोगों को भी पता है, और पिछले दो साल से हम लोग ये चीज को क्लियर करते आ रहे हैं कि हम लोगों का वैसा हिसाब किताब नहीं। बट बताओ आप दोनों की दोस्ती, ऑनेस्टली दोस्ती की बात कर रहा हूं, का फाउंडेशन क्या है? आप इतने अच्छे दोस्त क्यों है? क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, या कठिनाई में हो तो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े हो जाते हैं, उसका फाउंडेशन क्या है जन्नत? उसका फाउंडेशन क्या है? सो उसका बेसिकली आई डोंट रियली थिंक ऐसा कोई पर्टिकुलर फाउंडेशन है। आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, यू नो। आई थिंक हमारे जो नेचर है ना वो काफी मिलते हैं। ही इज ऑल्सो वेरी रिजर्व, I am also pretty much reserved, and he's not that clingy. He's not very cheesy, and though I feel kind of comfortable while I'm shooting with him or anything. जो कि maybe किसी और के साथ मैं shoot करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे doubt होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बात कर रहा है तो मुझे पसंद नहीं आता है। Here, please let me be in my zone, and you know I need my space. Whereas इसके साथ ऐसा कभी भी कुछ हुआ ही नहीं since our first video. I was very comfortable and I thought कि अरे वाह ऐसा लग रहा है इसको किसी ने बताया हुआ है कि जन्नत के साथ shoot पे ऐसे रहना है। So I think that is one thing. They are very similar in natures. उसके वजह से होता है. And also, as I said, that we are not only good friends. हम सिर्फ good अच्छे दोस्त नहीं हैं. In fact, हमारा family से बहुत अच्छा relation है. Faizu is very very close to my mom. मम्मी से बहुत ज़्यादा close है. और अयान का बहुत अच्छा दोस्त है. और अयान अंदर से बोल रहा है क्या हुआ? उसको आवाज कही उसकी बात है. कुछ नहीं. और डैडी से भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है फैजू का। सो इट्स जस्ट दैट सबका बहुत अच्छा मैच हुआ है।